नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। सेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं और कहा कि भारतीय सेना की देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का महान स्रोत बनी हुई है। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी सेना दिवस पर सभी साहसी सेना कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एलजी मनोज सिन्हा ने रविवार को पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति को बाधित करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए सेनाएं मिलकर काम कर रही हैं। आजादी के बाद यूटी में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। डीजीपी आरआर स्वैन ने रविवार को कुपवाड़ा में जिला पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों से कहा कि लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करें और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करें। सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व के नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों से नामांकन मांगे। प्रदेश सरकार ने 2025 तक 20,000 सरकारी इमारतों को रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में शामिल कर 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य किया तय। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में रात का तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे, वहीं जम्मू में कोहरे के साथ 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।